ज्यादा बकवास मत कर। अरे तू क्या देख रहा है? तू कौन है? कौन है तू? कौन है तू? दिल्ली के द्वारका सेक्टर 9 के इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में इमरजेंसी में महिला डॉक्टर के साथ बदसुलूकी करने का मामला सामने आया है। मैं इस वक्त उसी डॉक्टर महिला डॉक्टर के पास मौजूद हूं। मैं मैडम, किस तरह के साथ आपके साथ घटना हुई थी, कौन लोग थे, पूरी बात बताइए। देखिए, मैं डॉक्टर स्टेशन पे बैठ के पेशेंट्स को देख रही थी, तभी वो पेशेंट आया था मेरे पास। उन्होंने बताया था कि उनकी कोर्ट में लड़ाई हो गई है, उनकी MLC है और उनको घबराहट होने लग गई, तो इसलिए वो पहले ट्रीटमेंट के लिए कैजुअलिटी में आए हैं। तो मैंने उन्हें बोला कि आप बेड पे जाके लेट जाइए, मैं वहीं आती हूँ, आपके वाइटल्स वगैरह वहीं लूँगी, इतने आप अपने अटेंडेंट को बोल दीजिए, पेपर बनवा लाइए। तो जब वो बेड पे चले गए थे तो मैं डॉक्टर स्टेशन से निकल रही थी, तभी एक स्टैब वुंड का पेशेंट आया था। तो हमारे कैजुअलिटी में ट्रायल के बेसिस के ऊपर पेशेंट्स हम देखते हैं, तो वो ज़्यादा सीरियस पेशेंट था, तो मैं सबसे पहले उन्हीं के पास चली गई थी। उस वक्त कोई डॉक्टर नहीं था आसपास मेरे अलावा। तो जब वो स्टैब वुंड के पेशेंट को मैं कैनुला पुट कर रही थी, तभी मेरे सीनियर आ गए थे, तो मैंने उस पेशेंट को उनको हैंडओवर करके मैं उसी पेशेंट के पास दोबारा चली गई उनको वाइटल्स वगैरह देखने के लिए। इतने उनके अटेंडेंट पेपर वगैरह बनवा लाए थे, लेकिन उनके पास 6-7 अटेंडेंट खड़े हुए थे और बात कर रहे थे। तो मैंने उन्हें बोला कि भाई साहब, आप पेशेंट के साथ एक ही अटेंडेंट रुक सकता है, तो आप में से एक ही रुके, बाकी बाहर चले जाइए। तो ऐसा बोलने पे वो गुस्सा हो गए थे। तो फिर उसके बाद हमारे सिक्योरिटी फीमेल गार्ड को गार्ड आई मेरे पास, तो उन्होंने भी बोला कि आप बाहर चले जाइए, आपने मास्क भी नहीं लगा रखा क्योंकि कोविड फैला हुआ है। तो इतना सुन के वो ओवर हाइपर हो गए और उन्होंने अब्यूजिव लैंग्वेज स्टार्ट कर दी गार्ड के साथ में। तो ऐसा करके वो धक्का मुक्की भी करी गई थी गार्ड के साथ आप लोगों के साथ? नहीं, धक्का मुक्की नहीं थी, वो वर्बली कर रहे थे। जब गार्ड बोल रहे थे तब भी वो अब्यूजिव लैंग्वेज ही बोल रहे थे। हाँ, तो वो गार्ड बात कर रही थी उनसे, ऐसे बात होते होते वो बाहर चले गए थे। एक ही अटेंडेंट था पेशेंट के पास। फिर उसके बाद मैं पेशेंट के वाइटल्स लेने के लिए उनको कफ वगैरह लगाया था, तो कफ वगैरह लगाने के बाद मैं जैसे ही लिखने जा रही थी उनसे पूछने की कंप्लेंट्स वगैरह क्या है उनकी, तभी उनके साथ जो अटेंडेंट था वो मिसबिहेव करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। हाँ, तो फिर मैंने उन्हें बोला कि देखिए, शांत हो जाइए, मैं पेशेंट को ट्रीट कर रही हूँ, आप गुस्सा मत होइए। तो लेकिन वो उस पर रुके ही नहीं, हाइपर होते चले गए। फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी गंदी टोन में मुझे बात मतलब बोलने लग गए, मैं डर गई थी वहाँ पे। फिर मैं वापस डॉक्टर स्टेशन पे आ गई थी। फिर मैंने अपने सीनियर CCMO को कंप्लेन करी कि सर, मेरे साथ ऐसे मिसबिहेव कर रहे हैं, आप एक बार देख लीजिए। तो वो उनके साथ वापस स्टेशन पे आ गए, डॉक्टर स्टेशन पे आ गए, उनके अटेंडेंट वर्बली अब्यूज़ करने लग गए सर को भी और मेरे SR को भी। तो उनको ऐसे पूरा अब्यूज़ करते करते उन्होंने ऐसे राउंड मार रहे थे पूरे कैजुअलिटी में, पेशेंट से लेके डॉक्टर स्टेशन तक। फिर उन्होंने थोड़ी देर बाद फ़ोन निकाल लिया और वीडियो बनाने लग गए और मेरे पे ऐसे जूम करके उन्होंने कहा कि आप इलाज नहीं करोगे तो कोई नहीं करेगा, मतलब ऐसे बहुत उन्होंने गंदे टोन में बोला था। तो फिर मैं तो डरी हुई थी, मैं वहाँ बैठी, मैंने देखा ही नहीं उनकी तरफ। उसके बाद जब आप लोगों का उन लोगों ने हंगामा करा, तो कुछ देर के लिए पेशेंट के लिए स्ट्राइक का भी आप लोगों ने कहा था कि हम लोग अब देखेंगे नहीं स्ट्राइक? नहीं, उस टाइम पे हमने ये नहीं था कि स्ट्राइक करेंगे, कुछ भी नहीं था, हमारे तो पेशेंट फर्स्ट प्रायोरिटी होते हैं। अच्छा। हाँ, तहरीर दे दी, एप्लीकेशन दे दी? हाँ, फिर मैंने बाद में एप्लीकेशन दी थी जब उन्होंने, जब वो वीडियो बनाते बनाते आ गया, सामने आ रहे थे, मतलब मेरे पास आ रहे थे स्टेशन पे। तो इतने मेरे फादर पिक करने के लिए आते हैं, तो वो अंदर आ रहे थे कैजुअलिटी के एंट्रेंस में, तो उन्होंने देखा कि लड़ाई वगैरह हो रही है। तो मैं वहाँ खड़ी हुई थी डॉक्टर स्टेशन के पास, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हो रहा है मेरे फादर ने, तो मैंने उन्हें बताया कि ये इंसिडेंट हो रहा है। तो वो ऐसे ही जो अटेंडेंट था पेशेंट का, वो मेरे पास आने लग गया था। तो मैंने मतलब ऐसे करीब आ रहा था ना, मैं यहाँ खड़ी थी तो सामने से आ रहा था, तो मेरे पापा ने देखा कि क्या बात हो गई, आप क्यों ऐसे बात कर रहे हो। तो उन्हें लगा कि ये अननोन है मेरे, मतलब मेरे को जानते नहीं है, लेकिन ऐसे बीच में आ रहे हैं। तो उन्होंने ऐसे मेरे उनसे भी मिसबिहेव करा कि तू होता कौन है बीच में आप बोलने वाला, ऐसे ऐसे बदसलूकी बहुत करी, मतलब बहुत ज़्यादा अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करी। पुलिस कितनी देर में आई? नहीं,
आई ही नहीं पुलिस, तो मेरी कंप्लेन में पुलिस आई ही नहीं। जब मेरे पापा उनसे बात कर रहे थे तो उन्होंने, मेरे पापा ने बताया, बोला कि ये मेरी बेटी है, आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो, वो भी यहाँ पे काम कर रही है, आप मतलब काम कर रहे तो आप ऐसे मिसबिहेव करोगे क्या। तो कुल मिला के काफ़ी देर तक हंगामा चला है इमरजेंसी वार्ड में, और भी डॉक्टर जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी संख्या में जो डॉक्टर हैं वो इकट्ठे हो गए हैं। इनका कहना है कि पुलिस कंप्लेन करने के काफ़ी देर बाद आई है और हंगामा काफ़ी देर तक चलता रहा है। सर, किस तरीके का हंगामा हुआ था और कौन लोग थे, थोड़ा सा बताइए। ये लॉयर थे, जो पेशेंट था वो खुद भी लॉयर था, जो उसके अटेंडेंट थे साथ में भी बाकी लॉयर आए थे, तो उन्होंने जो फीमेल डॉक्टर थी उनके साथ जान से मारने की धमकी दी, अभद्र व्यवहार किया। उनके पिताजी जो उनको रिसीव करने आते हैं, डॉक्टर की ड्यूटी ऑफ होने का समय था, तो उन्होंने जब बीच बचाव किया ये सब देख के, तो उनके साथ भी धक्का मुक्की की गई और उनको भी गाली गलौज किया गया, अभद्र व्यवहार किया गया। तो आप लोगों ने कंप्लेंट वगैरह दे दी? हाँ जी, हमने इंस्टीट्यूशनल FIR की डिमांड की थी। जो हमारे MD सर आए थे उन्होंने अभी इंस्टीट्यूशनल FIR का हमें आश्वासन दिया है, पुलिस प्रशासन से भी हमें आश्वासन मिला है कि सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। बिल्कुल, इमरजेंसी वार्ड में ही डॉक्टरों के साथ बदतमीजी का मामला सामने आया था, जिसके बाद पुलिस यहाँ मौके पर आई और डॉक्टरों की तरफ से एक तहरीर लेकर उन लोगों के खिलाफ जल्द कार्रवाई करने की बात कर रही है। कैमरा पर्सन नदीन के साथ अंशुमन यादव, TV9 भारत पास, दिल्ली।